हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जामगढ़ में। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमारे रीजनिंग का एक चैप्टर न्याय निगमन है। न्याय निगमन से हर एक एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कथन लिखा रहेगा उसे ही सत्य मानेंगे। जैसे कि कथन में लिखा रहेगा, कथन सभी शेर बिल्लियां हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं। इसको हम अपने मन से यह नहीं सोचेंगे कि सभी शेर बिल्लियां कैसे हो सकता है। जो कथन में दिया जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसे ही सत्य मानते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम फिगर के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे कि लिखा रहेगा सभी शेर बिल्लियां हैं, हम इस प्रकार के क्वेश्चन को एक गोला बनाएंगे जिसमें सभी लिखा होगा उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा है सभी शेर, इसको हम शेर को हम यस से डिनोट कर रहे हैं, ये शेर हो गया। बिल्लियां इनके ऊपर रहेंगे। जैसे कि सभी शेर बिल्लियां हैं तो जितने शेर हैं वो बिल्ली के अंदर आएंगे, शेर बिल्ली के अंदर आएंगे। बिल्ली को हम बी से डिनोट करेंगे। सभी शेर बिल्लियां हैं तो शेर अंदर रहेगा और बिल्ली बाहर रहेगी। इससे यह पता चलेगा कि जो शेर है वो सभी बिल्लियां हैं। और दूसरा लिखा रहेगा कुछ शेर बिल्ली हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं। इस टाइप के प्रश्न में हम फिर से फिगर बनाएंगे, इसको यस से डिनोट करेंगे शेर को। जो दूसरा फिगर बनाएंगे बिल्ली के लिए, इससे अंदर मिलता हुआ बनाएंगे, इसके अंदर से लेते हुए, जैसे ताकि इसका कुछ भाग इसके अंदर बिल्ली के अंदर, शेर का कुछ भाग बिल्ली के अंदर आ जाए। बिल्ली को फिर हम सिर्फ बी से डिनोट करेंगे और ये जो भाग है ये कुछ भाग शेर का और बिल्ली का मिलता जुलता है। इससे यह पता चलता है कि कुछ शेर और कुछ बिल्लियां एक हैं। जैसा कि बच्चों हमने देखा कि कुछ शेर बिल्लियां हैं का फिगर, अब हम देखेंगे कोई शेर बिल्ली नहीं कोई शेर बिल्ली नहीं है। इसका फिगर हम इस प्रकार से बनाएंगे, शेर को अलग रखेंगे, ये शेर हो गया, ये बिल्ली, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। इसमें लिखा गया है ना कोई शेर बिल्ली नहीं है, तो इसको हम किसी भी प्रकार से ना अंदर से बनाएंगे ना इसको किसी भी प्रकार से टच कराएंगे, इसका कोई संबंध इसमें नहीं रहेगा। जैसा कि अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, जैसा कि कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ छात्र लड़के हैं,
कोई छात्र महिला नहीं है, कोई छात्र महिला नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न को हम देखेंगे। निष्कर्ष रहेगा, जैसा कि कथन के नीचे ही निष्कर्ष आपको दिया गया रहेगा, निष्कर्ष निष्कर्ष आपको मिलेगा। पहला निष्कर्ष, कुछ महिलाएं छात्र हैं, कुछ महिलाएं छात्र हैं, कुछ महिलाएं छात्र हैं। दूसरा, कुछ लड़के छात्र हैं, इसको हम फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसा कि कथन में दिया हुआ है, कुछ छात्र लड़के हैं, हम फिगर बनाएंगे ऐसे, छात्र को हम ऐसे देखेंगे। और लड़कों के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया था, कुछ के लिए फिगर कैसे बनता है, कुछ के लिए हम लड़कों के लिए ऐसे छात्र बीच में लेंगे और इसे ड्रॉ करेंगे। जो यह भाग है, यह कुछ के लिए है, कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। और दूसरा प्रश्न है, कोई छात्र महिला नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कोई छात्र महिला नहीं है, तो छात्र और महिला, यहाँ महिला को अलग से बनाएंगे और इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा, छात्र और महिला के बीच में कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन हम एक और फिगर बनाएंगे जिससे कि हमारा आंसर एकदम सही हो। फिर से हम देखेंगे कथन को, कुछ छात्र लड़के हैं, फिर से बनाएंगे छात्र के लिए और ये लड़के के लिए, और यह भाग आपस में मिला रहेगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कुछ छात्र लड़के हैं। दूसरा कथन, कोई छात्र महिला नहीं है, कोई छात्र महिला तो नहीं है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया है कि कोई छात्र कोई महिला लड़का नहीं है, इसको हम यहाँ बना सकते हैं इसमें महिला को, क्योंकि कथन में यह तो नहीं दिया गया है कि कोई छात्र लड़का नहीं है, तो लड़के को हम महिला के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि हमने फिगर से देखा, अब हम आंसर की तरफ चलेंगे। कभी भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को दो फिगर के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम एक फिगर के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो यह क्वेश्चन गलत होने का चांस ज्यादा रहता है। यदि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को दो फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत ही कम रहता है। अभी हम आगे और अच्छे से चर्चा करते हैं, देखते हैं अब हम निष्कर्ष। इसमें लिखा हुआ है कुछ महिलाएं छात्र हैं, लिखा गया है कुछ महिलाएं छात्र हैं। हम अपने पहले फिगर को देखेंगे, यहाँ छात्र, यहाँ लड़के, यहाँ महिला, छात्र और महिला के बीच में कोई संबंध नहीं है। और इसमें देखेंगे कुछ महिलाएं छात्र हैं, महिला और छात्र, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यह आंसर गलत है, क्योंकि कुछ महिलाएं छात्र हैं, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ कहीं भी छात्र और महिला के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है, तो यह क्वेश्चन गलत होगा आंसर। अब इसमें देखेंगे कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, तो हम देखेंगे लड़के और छात्र आपस में मिले हुए हैं, छात्र का कुछ हिस्सा लड़कों के कुछ हिस्से में मिला हुआ है। अब हम दूसरे फिगर में आएंगे और देखेंगे कि क्या यह फिगर भी यही कह रहा है, कुछ लड़के छात्र हैं, इसमें भी छात्र और लड़के एक में हैं और इसमें महिला जुड़ी हुई है,
लेकिन इसमें महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो हम इसको सत्य मानेंगे, इसको हम सत्य मानेंगे, क्योंकि सत्य हम उसे ही मानते हैं जो दोनों फिगर में एक हो, जो दोनों फिगर में मिले, हम उसे ही सत्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि अब हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे, सभी पेन कलम हैं, सभी पेन कलम हैं, कुछ है कलम, कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब है, निष्कर्ष कुछ किताब, कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, दूसरा कुछ कलम पेन है, कुछ कलम पेन है, तीसरा कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है, और चौथा कुछ पेन कलम नहीं, कुछ पेन कलम नहीं है। अब हम इसको भी फिगर के माध्यम से ही देखेंगे कि कथन से कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है। अब हम फिगर को बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे सभी पेन कलम है, सभी पेन, ये पेन हो गया पेन के लिए, और इसमें लिखा है सभी पेन, जो ये पेन है वो कलम है, तो कलम को हम ऊपर से ऐसे बनाएंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे, सभी पेन कलम है, सभी पेन कलम है। अब हम दूसरा कथन पढ़ेंगे, कुछ कलम किताबें हैं, कुछ कलम किताब है, ये इसको हम कुछ केवल कलम का कुछ ही भाग किताब है, कुछ भाग के लिए हम इसको ऐसे बनाएंगे और इसे किताब लिखेंगे, जिससे हमें यह पता चले कि कौन सा कलम है और कौन सा किताब है। अब हम दूसरा फिगर बनाएंगे, जैसे कि ये पेन के लिए हो गया और इसमें लिखा गया है सभी पेन कलम है, सभी पेन कलम है, फिर कलम को हम कैसे डिनोट करेंगे। अब दूसरे कथन पे आएंगे, कुछ कलम किताब है, इसमें हमने बनाया कि कुछ कलम किताब है, लेकिन इस प्रकार के कथन में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि कोई किताब पेन नहीं है, तो हम एक और फिगर देखेंगे, इसको हम जितने अंदर तक जाएगा उसको लेके ऐसे इस प्रकार का फिगर बनाएंगे, कुछ कलम किताब है, और किताब के लिए
इसको हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कथन में कहीं यह नहीं दिया गया है कि कोई पेन किताब नहीं है। हमने पहले देखा कि सभी पेन कलम हैं, सभी पेन कलम हैं, कुछ किताबें कुछ कलम किताब है, कुछ कलम किताब हो गई। इस फिगर में भी हम ऐसा ही देखेंगे कि ये मिलता जुलता है। अब दूसरे वाले फिगर में सभी पेन कलम हैं, पेन और ये कलम हो गया, कुछ कलम किताब है, इसमें भी कलम और किताब है, ये भाग कलम और किताब का कुछ भाग है, और इसको हम पेन को भी अंदर से ले लिए हैं ताकि यह निष्कर्ष जब निकालेंगे तो हमें यह आसानी होगी कि कहीं हमारा आंसर गलत ना हो जाए। अब देखेंगे हम कुछ किताब कलम है, कुछ किताब कलम है, कुछ ये कलम हो गई, ये किताब हो गई, इसका कुछ दो भाग एक है। और अब हम दूसरे फिगर में देखेंगे, हम वही सत्य मानेंगे जो दोनों फिगरों में मिले, जो दोनों फिगरों से हमें प्राप्त हो वही हम सत्य को वही हम सत्य मानेंगे। जैसा कि कुछ किताब कलम है, ये किताब और ये कलम, इसका कुछ भाग यहाँ देखिए, इसका कुछ भाग एक है, और यहाँ भी कलम और किताब का कुछ भाग आपस में मिलता है। इसका मतलब यह निष्कर्ष सही है कि कुछ किताब कलम है, इसको हम सत्य मान लेंगे। अब दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं, कुछ कलम पेन है, कुछ कलम पेन है। अब इसमें देखेंगे, ये कलम है और ये पेन है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कुछ कलम पेन है, जैसे कि हम आपको 10 रुपया दे दें और यह कहें कि क्या आपके पास 5 रुपया है, उसी प्रकार का यह क्वेश्चन कि सभी पेन कलम है, जब आपके पास 10 रुपया है तो 5 रुपया अवश्य ही होगा, तभी वह जाके 10 हुआ। जब यहाँ लिखा हुआ है कि सभी पेन कलम है तो कुछ कलम पेन जरूर होंगी, जैसे कि 10 रुपये में 5 रुपये आपके पास जरूर रहेगा, तभी वो 10 रुपया होगा। तो अब हम दूसरे फिगर में देखेंगे क्या यह सत्य है। फिर से देखेंगे हम निष्कर्ष को, कुछ कलम पेन है, इसमें भी पेन का पूरा भाग कलम है, तो यह माना जाएगा कि हाँ कुछ कलम पेन है, तो हम इसको भी सत्य मान लेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा निष्कर्ष, कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है। आप यहाँ फिर से देखेंगे, ये पेन हो गया, ये कलम हो गई, कलम को हम कैसे डिनोट किए हैं ना, ये कलम हो गया और यह किताब हो गया। इस फिगर में निष्कर्ष फिर से पढ़ेंगे, कुछ पेन किताब है, इसमें तो पेन और किताब का कोई संपर्क नहीं है, ना ही इसका कोई भाग इससे मिल रहा है। हम दूसरे फिगर में आएंगे और इसमें देखेंगे, निष्कर्ष पढ़ते हुए देखेंगे, कुछ पेन किताब है, देखेंगे पेन और ये किताब, इसका तो कोई कुछ भाग देखेंगे यहाँ पे, इसका कुछ भाग तो मिल रहा है इसमें, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। हम उसी निष्कर्ष को सत्य मानेंगे जो दोनों फिगरों में मिल रहा है। किसे सत्य मानेंगे? उसे सत्य मानेंगे कि जो दोनों फिगरों में मिल रहा हो। तो देखेंगे, या तो इसमें नहीं मिल रहा है कि कुछ पेन किताब है, लेकिन इसमें मिल रहा है, इसको हम गलत मान लेंगे, क्योंकि सत्य हम उसे ही मानेंगे जो दोनों फिगरों से हमें प्राप्त हो। अब हम चौथे निष्कर्ष पे आएंगे, कुछ पेन कलम नहीं है, कुछ पेन कलम नहीं है। इसमें देखेंगे, सभी पेन कलम हैं, और इस प्रकार के फिगर में देखेंगे कि सभी पेन कलम हैं, इसमें कुछ पेन कलम नहीं है। यह नकारात्मक
बता रहा है कि कुछ पेन कलम नहीं है, जबकि हमें यह पता है कि सभी पेन कलम हैं, जितने भी पेन हैं वह कलम है, तो हम इसे भी असत्य मानेंगे, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जितने भी पेन है हमारे पास वो सब कलम है। तो ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जिस भी प्रश्न में या आपको समस्या कोई हो कि हम यह कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया है। हम अगले वीडियो पे इस पे चर्चा करेंगे। ऑफलाइन कमेंट में आप कमेंट करिएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।